नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। अब तक हम इसके तीन भाग कर चुके हैं और ये इसका चौथा भाग होगा। और अब तक हमने जाना है जैव प्रक्रम क्या होता है और हमने बात करी है एक जैव प्रक्रम की जिसका नाम है पोषण। आज हम दूसरे जैव प्रक्रम की बात करेंगे जिसका नाम है स्वास्थ्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो सवाल है कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। अब इसका जवाब आपको पहले भाग में भी बताया गया था, परंतु ये सवाल फिर से इसलिए डाला गया है ताकि हम याद कर सकें कि ये दोनों अलग हैं। तो अगर हम सांस लेने की बात करें तो सांस लेना वह प्रक्रम है जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, बस इतना ही होता है सांस लेना। तो सवाल आता है कि फिर श्वसन क्या है। तो चलिए एक बार श्वसन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो श्वसन की डेफिनेशन है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषण प्रक्रिया के दौरान लिया गया भोजन शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाता है। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बदलता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से ही मिलती है हमें ऊर्जा। तो ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रम है, इस प्रक्रम को कहा जाता है श्वसन। ऑक्सीजन हमें इस प्रक्रम के लिए चाहिए होता है और इसलिए सांस लेना श्वसन का एक भाग है। तो चलिए अब देखते हैं कि श्वसन के अंदर होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं एक लाइन से जो शायद आपको अजीब लगे। कुछ जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब जहां पर हमें कंफ्यूजन थी कि सांस लेना और श्वसन एक ही चीज है, वहां पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो श्वसन प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि ऐसे ज्यादा जीव नहीं है, और जितने भी जीव हैं उनमें से ज्यादातर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम ऑक्सीजन किसकी मदद से लेते हैं? फेफड़ों की। वहीं अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के पास फेफड़े तो होते नहीं, परंतु उनकी पत्तियों में और उनके तनों में रंध्र होते हैं जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि श्वसन दो तरीके से होता है। एक तो होगा जब ऑक्सीजन होगा, और तब होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि श्वसन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायु होगी, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर वायु नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। श्वसन के इन दोनों तरीकों में एक बात समान है, और वो बात ये है कि इन दोनों में ही सबसे पहला चरण होता है पाइरूवेट बनाने का। पाइरूवेट एक्चुअली ग्लूकोज से बनता है, जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। यानी कि ये जो 6 कार्बन वाला अणु है, इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है 3 कार्बन वाले अणु में, जिसे कहा जाता है पाइरूवेट। यह जो प्रक्रम है ये होता है कोशिका द्रव के अंदर, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव के अंदर सबसे पहले टूटेगा पाइरूवेट में। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद या तो होगा वायवीय श्वसन या होगा अवायवीय श्वसन। तो अगर वायवीय श्वसन होता है तो इसके अंदर 3 कार्बन वाला जो पाइरूवेट है उसके अणु को विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और साथ में मिलेगा जल, और उसके साथ ऊर्जा तो हमें मिलेगी ही। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पाइरूवेट में ऑक्सीजन आएगा जो कि हम श्वसन में सांस लेने से लेते हैं, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो हम श्वसन से वापस बाहर छोड़ देते हैं, जल मिलेगा जिसका हम कई तरीकों से यूज करते हैं, और साथ में मिलेगी ऊर्जा जिसके लिए ये पूरा प्रक्रम किया गया था, और इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे बहुत सारे कामों के लिए। अब अगर अवायवीय श्वसन होता है तो उसके अंदर क्या होगा? हो सकता है कि उसके अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बने, और हो सकता है ये ना बने। हम अभी जानेंगे कि क्या होगा अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता।
और ऐसा क्यों होता है। पर अगर अवायवीय श्वसन है तो उसमें ज्यादातर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, और यहाँ पर ये होता है कोशिका द्रव के अंदर। यहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, और साथ में मिलेगी ऊर्जा। परंतु ये वाली जो ऊर्जा होती है ये वायवीय श्वसन में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे काफी कम होती है। ये इसके उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये यीस्ट सेल के अंदर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पैरों में दर्द होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा भागते हैं। अब इसका कारण ये है कि हमारे पैरों में बनती है लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका बनने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? अब मान लीजिए आप बहुत देर से भाग रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ऊर्जा चाहिए होगी, और जब आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। अब ज्यादा ऊर्जा बनाने से क्या होगा, हमारे शरीर के पास जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी इस्तेमाल हो जाएगी और हमें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हम उतनी ले नहीं पाते, और उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जो पाइरूवेट होता है उसको टूटने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसलिए वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और बनाता है ऊर्जा। ये ऊर्जा कम होती है जितनी हमें ऑक्सीजन होती तो मिलती उससे, और जो लैक्टिक अम्ल बनता है उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। तो ये भी एक तरह से उदाहरण है अवायवीय श्वसन का, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बनता है, ये बनता है हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में, क्योंकि हम भागते हैं तो हमारी मांसपेशियों का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब श्वसन के दौरान जो हमारी ऊर्जा बनी उसका इस्तेमाल क्या होता है? क्या हम सारी की सारी ऊर्जा उसी समय इस्तेमाल कर लेते हैं? दरअसल ऐसा नहीं होता। हम जो ये ऊर्जा बनाते हैं इसे हम इकट्ठा करते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जो श्वसन के दौरान ये जो ऊर्जा बनी उसका उपयोग तुरंत एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। अब ये जो एटीपी होता है ये मान लीजिए पैसों की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको जो चीजें चाहिए होती है आप उसे जाके खरीदते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है पैसों की तरह, और हमारे शरीर को जहां जहां ऊर्जा इस्तेमाल करनी होती है वहां वहां उन्हें इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, आप फालतू की चीजें कम खरीदेंगे और जितनी काम की चीजें होंगी सिर्फ उन्हीं पे पैसा खर्च करेंगे। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है, जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होती है तो वो ज्यादा फालतू की जो क्रियाएं होती हैं उनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता और सिर्फ काम की चीजों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये तो हुई मनुष्य की बात। चलिए आप जानते हैं पौधों में ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। पौधे रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब ये कैसे होता है ये बात तो आप जानते ही हैं। रात के समय CO2 उन्मूलन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोई खास जरूरत होती नहीं और उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रात के समय पेड़ वातावरण में छोड़ देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए। और दिन के दौरान ऑक्सीजन निष्कासन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता रहता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया से छोड़ी जाती है उसका इस्तेमाल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो इतनी ज्यादा होती है कि पौधों को उसे वातावरण में छोड़ना पड़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन जीवों की जो जमीन पर नहीं रहते, जैसे कि मछलियां। क्योंकि ये पानी में रहती हैं तो पानी में रहने वाले जानवरों को पानी में घुले तो ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, क्योंकि वो सतह पर आकर ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते, और इसलिए पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि कम होती है इन जीवों में सांस लेने की दर बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मछलियां बहुत तेजी से सांस लेती हैं और उनमें गिल्स यानी कि गलफड़े होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मानव में श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस तरीके से ली जाती है।
दरअसल मानव में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है और यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित ना हो जाए। उसके अलावा फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाते हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है कुपिका। कुपिका कुछ इस तरह का दिखता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका में मौजूद वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ये काम होता है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने बात क्या करी। दरअसल इस वीडियो में हमने जाना श्वसन के बारे में। इसके बारे में आप और ज्यादा अपनी एनसीईआरटी की किताब के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पढ़ना है श्वसन, जहां पर आपको इन सभी के बारे में और अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम नया जैव प्रक्रम शुरू करेंगे जो कि है वहन। तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपका है कि आपको श्वसन अच्छे से पढ़कर आना है और दूसरा आपका काम है कि जब अगली कक्षा होगी तो उस समय आपको वहन अच्छे से पढ़कर आना है, जिससे आपको वहन और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।